हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको फ्रॉक के लिए बहुत ही प्यारी सी बो बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने दो पीस ले लिए हैं 4 एंड 5.5 इंच। चारों तरफ से इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। एक जगह से थोड़ा सा हिस्सा हमें इसमें छोड़ देना है पलटने के लिए। इसके अंदर की साइड से हम इसको पलट लेते हैं। यहाँ पर रखकर हम इसमें चारों तरफ लेस लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारी सी बो बनाकर आप अपनी बेबी के फ्रॉक पर लगा सकते हैं। इसको हमने फ्रॉक बनाई है उस पर लगाया है, जिसकी वीडियो हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। ये देखिए, बो हमारी बन गई है। यहाँ पर बीच से हमने चुन्नटें इसमें डाल लेनी है। आप धागे की हाथ की सुई से भी इसमें चुन्नटें डाल सकती हैं और मशीन से भी चुन्नटें डाल सकती हैं। मशीन से चुन्नटें डाल रहे हो तो आपको 3 से 4 बार बीच में सिलाई लगानी है छोटा करते हुए। ये हमने यहाँ पर लेस लगा ली है लटकन के लिए। छोटे बड़े पीस करके हमने लगाए हैं। ये हमने 4 पीस ले लिए हैं 2.5 इंच के। इसको यहाँ से हमें गोलाई कर देनी है। दोनों पीस को हमें मिला लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, जिससे इससे नीचे के धागे नहीं निकलते हैं। अब हम इसको पलट लेते हैं और दोनों साइड में इसकी सिलाई लगा लेते हैं। इसको भी हम ऐसे ही पलट लेते हैं और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, अब नीचे की साइड हम इसमें लेस लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बीच में हम लटकन को रखते हैं और ऐसे करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी कितनी प्यारी सी लटकन बनकर तैयार हो गई है फ्रॉक के लिए। इसकी डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी बनकर तैयार हो गई है। अब हम आप इसको फ्रॉक पर लगाना बताते हैं। फ्रॉक के इस साइड में या बीच में भी आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।